एक शख्स ने एक बकरी की जान ली और उसी बकरी की आंख ने उस शख्स की जान ले ली। ऐसा कभी आपने सुना है कि जो शख्स एक बकरी की जान ले रहा है उसी बकरी की आंख ने उस शख्स को मार दिया? आपने सुना ही होगा कि जब इंसान की मन्नत पूरी होती है तो इंसान बहुत सी चीजें सेक्रिफाइस करता है। बिल्कुल, इस इंसान की मन्नत पूरी हुई और इसने डिसाइड किया कि ये बकरी की बलि देगा, यानी बकरी की जान को सेक्रिफाइस करेगा ऊपर वाले के लिए, यानी भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। तो बिल्कुल, इस शख्स ने कुछ मन्नतें मांगी थी। जैसे ही शख्स की मन्नत पूरी हुई, इसने अपने मन में ये सोच के रखा था कि मेरी ये मन्नत पूरी होगी तो मैं एक बकरी की बलि दूंगा। तो इस शख्स ने बिल्कुल ठीक अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में ऐसा ही किया, लेकिन उसे ऐसा नहीं पता था कि वो जिस बकरी की बलि देने वाला है उसकी जान भी उसी बकरी की आंख से चली जाएगी। अब आपको लगेगा ये कैसी कहानी है, अगर उस बकरी की जान ही चली गई है, वो बकरी मर गई है, उसकी बलि लग गई है, तो फिर कैसे वो इस शख्स की जान ले सकती है? तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको भी हैरानगी होगी और आप ऊपर वाले को जरूर याद करेंगे दोबारा से इस वीडियो को सुनने के बाद। आपको बता दें कि ये 50 साल का शख्स है जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जिसकी मन्नत पूरी हुई और उसने डिसाइड किया कि अब मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, मैं बकरी की बलि दूंगा। वो अपने आसपास के लोगों के साथ जो है वहां पर पहुंचा, मंदिर में पहुंचा, और जहां पर उसने जो है बकरी की बलि दी और बलि देने के बाद में उन्होंने मीट को पकाया और खाना शुरू किया। आगे की कहानी ये कहती है कि जो आंख थी, यानी बकरी की आंख थी, उसी से उसी शख्स की जान गई और बकरी ने उस इंसान को बुरी नजर लगा दी। जाते हुए बकरी ने जो है उसका चेहरा अपनी आंखों में समा लिया, तभी वो शख्स को भी साथ में लेकर चलेगी। 50 साल का व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसका नाम जो है वो बागर है। इसने प्लान किया कि मेरी मन्नतें पूरी हुई, परिवार में खुशहाली आई है, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं बकरी की बलि दूंगा। बागर अपने मोहल्ले के आसपास के लोगों के साथ जो है मदानपुर विलेज में गया, जो खोपा धाम में है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ही है, जहां पर उसने बलि देने की शुरुआत की। बिल्कुल, बकरी की बलि भी हो गई और उसका मीट भी पक गया। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मीट पक गया तो बागर ने जो है उसकी आंख को उठा लिया और उसने उसकी आंख को कहा कि मैं इसी को खाऊंगा। लेकिन जब उसने खाया, उसके गले में वो बकरी की आंख फंस गई, उसे चोक हुआ और चोक होने के कारण उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन बागर नहीं बच पाया। आपको बता दें कि ये सारे जब आखिरी रसूमात चल रहे थे बलि के, यानी आखिरी रिचुअल चल रहे थे, तब जो बकरी का मीट पक रहा था, उसमें से बागर ने बकरी की आंख को उठाकर खाया और खाते ही उसे ये नहीं पता था कि बकरी की बुरी नज़र मुझे लग चुकी है, उसकी आंख में मेरी चेहरा समा गया है और जब मैं इसे खाऊंगा शायद मैं जिंदा ना रह पाऊँ। जैसे ही उसने उसे खाया और उसके गले में वो अटक गई, उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन शायद वो सांस उसकी आखिरी सांस भी ना थी, क्योंकि बागर जो है वो सांस नहीं ले पाया। उसने सांस लेने की बहुत कोशिश की, उसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया गया, लेकिन तब ये पता चला कि बागर मर चुका है। इस बागर की उम्र 50 साल थी और कहते हैं कि बकरी की बुरी नज़र बागर को खा गई। बकरी की बलि देना बागर को महंगा पड़ गया, क्योंकि बलि तो बकरी की गई और बकरी ने बागर की भी बलि ले ली। आपको बता दें कि अब लोग भी कह रहे हैं कि हमें इस बकरी का मीट नहीं खाना, अगर ये बागर की जान ले सकती है तो ये हमारी जान भी ले सकती है। बागर ने कुछ मन्नतें मांगी थी और आफ्टर ऑल आपने भी सुना होगा कि मन्नतों के बाद में बलि देनी पड़ती है। हालांकि ये कैसा इंसाफ है कि मन्नतें इंसान की पूरी होती है लेकिन जान जो है वो जानवर की जाती है, चाहे वो बकरी थी लेकिन उसके सीने में भी जान थी। तो बागर ने अपनी इच्छाएं पूरी होने के साथ जो है ये डिसाइड किया था कि मैं बकरी की बलि दूंगा, और वैसे ही उसने बकरी की बलि को दिया। लेकिन बागर को ये नहीं पता था कि बकरी की बुरी नज़र मुझे लग जाएगी। जैसे ही उसने पके हुए मीट में से बैठकर बकरी की आंख को उठाया, बागर के गले में वो चोक हो गई, वो सांस नहीं ले पाया और बागर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। बागर की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद उसके परिजनों ने भी जो है वो बकरी का पका हुआ मीट नहीं खाया। उनका यही कहना था कि ना जाने इस बकरी की बुरी नज़र में हम तो नहीं आ गए। ये वीडियो आपको कैसा लगता है? और कहते हैं ना कि सब कुछ यहीं पर मिलता है, कुछ भी ऊपर और नीचे नहीं मिलता, हर एक चीज यहीं पर मिलती है। बागर ने बकरी की बलि दी और बकरी ने बागर की जान ली। ये वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, उसका सुझाव, उसकी राय, उसके बारे में अपना रिएक्शन जो है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जम्बो लेटर न्यूज को लाइक कर लें, चैनल को फॉलो करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें।